दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप वेब क्या होता है और व्हाट्सएप वेब का यूज कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आप अपने व्हाट्सएप को किसी टैबलेट में या किसी मोबाइल में या आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में चलाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की इस वीडियो का आप देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट्सएप वेब होता क्या है। व्हाट्सएप वेब का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कि अगर आपके मोबाइल में जो व्हाट्सएप है उसको आप अपने कंप्यूटर पर शेयर करेंगे, मतलब कि आप अपने मोबाइल में जो टाइप करते हैं या चैट करते फोटो लेन देन करते वो आपके कंप्यूटर में होगा, उसको हम बोलते हैं व्हाट्सएप वेब। तो अगर आप भी अपने मोबाइल के व्हाट्सएप को किसी कंप्यूटर में या टैबलेट में चलाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो का आप देखते रहिए। एक खास बात मैं आपको ये बता देता हूँ, आप जब भी अपने मोबाइल के व्हाट्सएप को किसी अदर कंप्यूटर में या किसी अदर टैबलेट में यूज करेंगे तो बात का ध्यान रखेंगे कि आप जब भी उससे बाहर निकलेंगे तो सिंपली उसको लॉग आउट जरूर कर देंगे, क्योंकि जब तक आप लॉग आउट नहीं कीजिएगा तब तक वहाँ से लॉग आउट नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि आप चाहे तो अपने मोबाइल से भी आप उस सिस्टम को लॉग आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों सिंपली वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्हाट्सएप वेब यूज करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको दो प्रोसेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में करना पड़ता है, जहां पर आपको क्रोम खोलना पड़ता है और वहां पर आपको सर्च करना पड़ता है व्हाट्सएप वेब। और दूसरा प्रोसेस है आपके मोबाइल के अंदर, जहां पर आपको अपने व्हाट्सएप को खोलना है और वहां पर आपको लिंक को डिवाइस करना है। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलेंगे और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको वहां पर क्या करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको मोबाइल में क्या करना है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम पहुँच चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंचने के बाद सिंपली आपको क्रोम को ओपन कर लेना और इसके बाद यहाँ पर ऊपर में आपको सर्च बार दिखाई देगा तो सिंपली आपको यहाँ पर जाना है और सर्च कर लेना है व्हाट्सएप वेब। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जिस तरह से बिल्कुल सर्च कर रहा हूँ आपको भी बिल्कुल इसी तरह से सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद यहाँ पर आपके पास एक पेज खुल के आएगा, तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि web.whatsapp.com करके लिखा हुआ है, तो सिंपली आपको इसी वेबसाइट पर जाना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने में QR कोड आ चुका है, तो मुझे बिल्कुल इसी QR कोड को स्कैन करना है। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर में यहाँ पर आना है और उसका छोड़ देना और दूसरा प्रोसेस आपको अपने मोबाइल में करना है। तो अब चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल पर। अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को ढूंढ लेना और उसके बाद सिंपली उसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या दोस्तों, सबसे ऊपर की ओर यहाँ पर आपको 3 डॉट दिखाई देगा, तो सिंपली आपको यहीं पर जाना है, क्लिक कर लेना है। और क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर ये जो लिंक डिवाइस है सिंपली इस पर जाना है, क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हो यूज व्हाट्सएप ऑन वेब डेस्कटॉप एंड अदर डिवाइसेस, तो आप समझ चुके होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से अब तक। तो सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या, यहाँ पर ये जो लिंक और डिवाइस दिया हुआ है सिंपली आपको यहीं पर जाना है, क्लिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा यूज मोबाइल डेटा, तो सिंपली आपको यहीं पर जाना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर स्कैनर खुल के आ जाता है, तो सिंपली यहाँ से आप अपने कंप्यूटर में जो कोड अपीयर हुआ है सिंपली उसको स्कैन करेंगे और स्कैन करने के साथ ही ऑटोमेटिक वो लॉग इन हो जाएगा और आपके व्हाट्सएप में जो कुछ था सो सिंपली वहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने कंप्यूटर में कुछ चैट शो हो रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से आपके भी हो रहेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो किसी को भी कोई फोटो अपने कंप्यूटर से भेज सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं या कुछ भी चैट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से मैंने मोबाइल के व्हाट्सएप को कंप्यूटर में चलाकर दिखा दिया।